रेसिपी को प्लीज घर पे ट्राई जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे बनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। ये देखिए 1.5 कप मैंने गाढ़ा दही लिया है। दही को चलनी पे डाल दीजिए, बारीक वाली जो चलनी होती है छानने वाली उसमें डाल देंगे। अब इसको हमको बिलोनी की सहायता से अच्छे से चलाते हुए छानना है। ये करना बहुत जरूरी है, आगे चल के मैं बताऊंगी कि इसे करने से क्या होगा। ये देखिए इसे छान लीजिए अच्छे से। ये हमारा लम्प फ्री एकदम स्मूथ दही छन के तैयार हो चुका है कड़ी के लिए। अब हमने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें ये 1.5 कप दही छना हुआ हम डाल देंगे। इसमें 3 चम्मच बड़े चम्मच हमने बेसन के लिए हैं। दही और बेसन को भी अच्छे से मिक्स करना है, कंटिन्यूसली चलाते जाइए 5 मिनट तक, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक बेसन की आपको डॉट भी दिखना बंद हो जाए। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा करने से कड़ी बनाते वक्त कड़ी फटेगी नहीं और उसे बिल्कुल चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और एकदम परफेक्ट कड़ी बनेगी। तो ये तैयार हो चुका है, इसमें हमने 1.5 कप पानी और मिला दिया है। ये देखिए अब इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बैटर बहुत अच्छा, जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा कड़ी आगे चल के उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखिए बैटर भी हमारा लगभग तैयार हो गया, इसे साइड में रख देंगे, अब कड़ी का मसाला तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। कड़ी बनाने के लिए हम गहरा पतीला या भगोनी लेंगे, उसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने क्या क्या डाला है। ये मैंने लिया है शाह जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच ही मैंने ये साबुत धनिया के बीज डाले हैं, 1 चम्मच मैंने ये दाना मेथी डाली है, और ये देखिए मीठा नीम बहुत सारा मैंने इसके अंदर डाला है, फ्रेश और हरा वाला डालना है आपको एकदम। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई 2 इसके अंदर डाली है। ये अदरक को कद्दूकस कर लिया है ग्रेट करके, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे, 1 मिनट के लिए चम्मच से मिलाते हुए इसे कुक करेंगे। अब एक कटोरी के अंदर हमने 1/4 कप पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी पाउडर इसके अंदर डाला है। इसे अब अच्छे से मिलाना है। ये मसाला आप चाहें तो पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, सबसे पहले जब कड़ी बनाना शुरू करें तो ये मसाला बना के रख दीजिए, जिससे कि मसाला पानी के अंदर अच्छे से फूल जाए। और इससे होता ये है कि कड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और मसाला बन के बहुत अच्छा रेडी होगा। चलिए अब इस मसाले को जो हमारा रेडी हो चुका है इसको हम बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1/2 चम्मच हींग डाला है, हींग बहुत सारा डालेंगे क्योंकि कड़ी के अंदर हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे 5 से 10 मिनट तेज आंच पे कुक करना है। ये हमने हरी मिर्ची बारीक काट के 2 से 3 हल्की कलर की डाली हैं, जो कम तीखी होती हैं। इसे भी हम अच्छे से कुक होने देंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब आंच को तेज रखना है, हलवाई लोग बड़ी भट्टियों पे बनाते हैं तब जाके उनकी कड़ी अच्छी बनती है, तो गैस की फ्लेम जितनी तेज रखोगे आप लोग उतनी ही टेस्टी आपकी कड़ी बनेगी, बिल्कुल भंडारे जैसी, हलवाइयों जैसी, शादियों जैसी। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाना है तेज आंच पे। ये देखिए तेल साइड में झाग दिख रहे हैं, ये तेल छोड़ने लग गया है। मसाला देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है। अब हम इसके अंदर हमने जो कड़ी का घोल बना के रखा था वो हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। अब खास बात यह है, इसे डालने के बाद आपको ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं तो लोग आधा घंटे तक उसे चलाते रहते हैं कि कड़ी कहीं फट ना जाए। नहीं, इसे चलाना नहीं है, बस डाल के हमने छोड़ दिया। इसमें हमने पानी डाल दिया है लगभग 3.5 कप, और ये देखिए कितने हल्के हाथ से मैं इसे मिला रही हूँ, कड़ी मेरी बिल्कुल नहीं फटेगी। पानी मिला दिया है हमने, कड़ी को एकदम पतला कर लिया है हमने। अब हमको कड़ी को अच्छे से 20 से 25 मिनट ढक कर पकाना है। आंच अब हम कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, और कड़ी को औटने देंगे, पकने देंगे। ये देखिए कड़ी जब एकदम आधी हो जाए इस क्वांटिटी की, तब तक हमें इसे पकाना है। कड़ी अभी एकदम पतली है, इसे पकाना है। अब हम इसे ढक देंगे
और अब हम पकोड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए हमने एक कप बेसन लिया है। बेसन को हम छान के लेंगे, चलनी से छान लीजिए, मैंने पहले से छान के रख दिया था। अब डायरेक्ट चलनी से छान के लीजिए बेसन, और उसके अंदर ये हम नमक डाल देंगे, लगभग आधा चम्मच मैंने डाला है स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, मुझे डायरेक्ट पसंद है, क्रश करके डालने से हल्का कड़वापन आता है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है रंग के लिए, रंग अच्छा आएगा पकौड़े का। अब इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी डाला है। सोडे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, ना ही मैंने कोई दही डाला है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई घी डाला है। ये देखिए, केवल एक बात का ध्यान रखना है, आपके पकौड़े बैलून की तरह फूलेंगे अगर आप पकौड़े का जो ये घोल है इसे अच्छे से फेंटेंगे। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे, जितना अच्छा फेंटेंगे, और कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए जैसी मेरी है, इसको गाढ़ा मत रखिए। अगर आपका बेसन का घोल गाढ़ा होगा तो पकौड़े टाइट और कड़क बनेंगे। ये देखिए किस तरह से ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, इतना ही पतला आपको इसे रखना है। अब हम गरम तेल में इसको तल लेंगे, छोटे छोटे से बूंदे निकालने हैं हमको। ये जो लंबी लंबी लटे आ रही हैं सांप जैसी, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, इसे आने दीजिए। बैटर पतला होता है तो ये आती ही है, लेकिन पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। सोडा डालने से पकौड़े का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है, तो आप नेचुरल तरीके से इस तरह बनाएं इसे फेंट कर, और घोल पतला रखें। और ये देखिए घोल पतला होगा तो इसकी पहचान है कि ये ऊपर, ये देखिए बैटर पे, तेल पे ये जो पकौड़े हैं ये फ्लोट करने लग गए हैं, इसका मतलब कि बैटर बहुत अच्छा बना है। ये देखिए इसे तेज आंच पे हम हिला के तलेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो एक साइड से ज्यादा तल जाए और एक साइड से कम। बराबर हमने इसको सेक लिया है अच्छे से हिलाते हुए। आप एक प्लेट और टिश्यू पेपर ले आएंगे, उस पर हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर आप पकौड़े कड़ी बनाने से पहले कुछ ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो। उसके लिए बेसन का क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। अब पकौड़ों को हम तल के साइड में रख लेंगे और चल के देख लेंगे कि हमारी कड़ी के क्या हाल है, जो 20-25 मिनट से कम आँच पे हम ढक के पका रहे हैं। तो चलिए पकौड़े हमारे हो चुके, मैं इन पकौड़ों को साइड में रख दूंगी और मेरी कड़ी देख लेती हूँ। कड़ी का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कड़ी कितनी अच्छे से रिड्यूस हो चुकी है, आधी हो चुकी है। हमने इसे ढक के स्लो फ्लेम पर पकाया था 20 से 25 मिनट, चाहे तो आप 30 मिनट पका सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कड़ी को पकाएंगे उतनी ही टेस्टी कड़ी बनेगी। ये देखिए अब इसमें हम नमक लास्ट में ऐड करेंगे। नमक हमेशा कड़ी में आखिरी में डलता है, और ये खड़ा नमक होता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कड़ी को हिला लेंगे, नमक डाल के भी मैंने 10 मिनट पका लिया है। इसके अंदर अब मैं अपने पकौड़े जो मैंने बना के रखे हैं वो मैं डाल दूंगी। और पकौड़े डालने के बाद कड़ी को ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, पकौड़े वैसे ही बहुत जालीदार और पोसरे और फूले हुए बने हैं। पकौड़े कड़ी में जाते ही कड़ी को पी लेंगे, अच्छे से सोक कर लेंगे। अब इस पे धनिया डालेंगे, गैस को हम अगले 5 मिनट के अंदर अंदर बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद आप देखिए मैं कैसे इसके ऊपर तड़का लगाती हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिससे आपका कड़ी का फ्लेवर 10 गुना बढ़ जाएगा। पहले हम कड़ी को कटोरी में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। आप चाहें तो पूरी कड़ी पे एक साथ भी तड़का लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी पहले कटोरी में निकाल लूँगी और तड़का बना के मैं साइड में रख देती हूँ। जैसे जैसे कड़ी को आप सर्व कर रहे हो तब ऊपर से तड़का डाल के दीजिए। ये देखिए तड़का जो है वो मैंने पहले से बना के रख लिया था, इसमें करना कुछ नहीं है। 2 बड़े चम्मच घी के गैस पे गरम करने हैं, और उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और थोड़ा सा चाहे तो आप धनिया भी डाल सकते हैं बस। और गैस का फ्लेम बंद करके ये तड़का हमें कड़ी के ऊपर डालना है, बहुत सारा डालना है। आप जितनी कटोरी डाल रहे हैं सर्व कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा भर दीजिए अच्छे से तड़के को। जितना ज़्यादा तड़का होगा कड़ी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो मेरी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।